भाग सात में हिरण की स्वाभाविक दशा का वर्णन किया गया था। इसके पश्चात मंच पर दूसरा दृश्य उपस्थित होता है। नैपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। राजा कहता ऐसे प्रतिसंग्रत है, अर्थात इस बाण को मैंने हटा लिया है। इति यथोक्तम करोति, इस प्रकार से बाण को हटाने का अभिनय करता है। वैखानस कहता सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश में पैदा होने वाले दीपक के लिए यह अत्यंत उत्तम कार्य, अर्थात ये कार्य पुरुवंश में उत्पन्न होने वाले राजा ही कर सकते हैं। इसके लिए अग्रिम श्लोक में कहा है जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव, अर्थात हिरण को छोड़ने का या शिकार नहीं करने का जो आपने निर्णय किया है, ऐसे इस राजा का जो पुरुवंश में जन्म हुआ है वही इस कार्य को करने के लिए योग्य है। पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनु ही, इसलिए आप इन्हीं गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुरुष को पुत्र को प्राप्त करें, अर्थात आपको चक्रवर्ती पुत्र रत्न की प्राप्ति होवे। राजा तो त्रिविधो गेय, राजा तीन प्रकार का होता है, सम्राट च सकरो अकर, सम्राट सकर और अकर। सर्वेभ्य क्षितिपालेभ्यो नित्यम ग्रहणाति व्ययकरम, सभी अपने अधीनस्थ राजाओं से वो नित्य कर ग्रहण करता है। स सम्राडिति विज्ञेय चक्रवर्ती स एव ही, वह चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है, अर्थात जो अपने अधीनस्थ सभी राजाओं से टैक्स कलेक्शन करता है, कर ग्रहण करता है, उस राजा को सम्राट कहा जाता है। इतरो दोनों के दोनों तपस्वी बाहु उद्यम में बाहें उठाकर सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनु ही, हमेशा चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। राजा से प्रणामम, राजा प्रणाम करते प्रतिग्रहितम, मैंने आपका आशीर्वाद स्वीकार कर लिया है। वैखानस कहता है राजन संविदा हरणाय प्रस्थिता वयम, हम संविदाएँ लेने के लिए आए हुए हैं। ऐसे कलु कन्वस्य कुलपतिर अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते, मालिनी नदी के किनारे कन्व ऋषि का यह आश्रम आपको दिखाई दे रहा है। न चेतत अन्य कार्य अतिपात प्रविश्य प्रतिग्रहीयताम आतिथेय सत्कार, अर्थात यदि आपके कोई दूसरा कार्य इस समय नहीं है तो आप आश्रम में पहुंचकर अतिथि सत्कार को ग्रहण कीजिए। अपिच और भी रम्यांश तपोधनानाम प्रतिहत विघ्ना क्रिया समावलोक्य ज्ञास्यसि कियत भुजों में रक्षति मोरवी किणांक इति, अर्थात इस रमणीय तपोवन में जितने भी विघ्न थे उन सारे के सारे विघ्नों को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे इस शांत तपोवन को देखकर, ऐसी क्रिया को देखकर आप स्वयं जान जाएंगे कि धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के पश्चात जो भुजा में निशान पड़ गया है, ऐसी भुजा किस प्रकार से इस तपोवन को रक्षित करती है, कैसे उस प्रकार से इसकी रक्षा करती है।